हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय D2D चैनल। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे वेलकम है, स्वागत है। तो आज से मैं रिव्यू स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट मेरा रिव्यू रहेगा मोहब्बतें मूवी का। तो कुछ ना कुछ हम आपको बताएंगे मोहब्बतें मूवी के बारे में। और जो भी मेरी कैसेट परचेज करना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा। ओके भाई, स्टार्ट करते हैं। जो मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनसे हमारा निवेदन रहेगा खासकर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबा दें कि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मेरी वीडियो तो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। और बात कर लेते हैं ये आपकी मूवी मोहब्बतें के बारे में। कुछ कुछ बात कर लेते हैं फिर इसके कैसेट के बारे में बात करते हैं। ओके, जो ये आपकी मूवी है म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है मोहब्बतें, ये जो 27 अक्टूबर 2000 को रिलीज हुई थी। इसमें भूमिका निभाने वाले अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, जिमी शेरगिल, उदय चोपड़ा, जगल हंसराज, समिता शेट्टी, किम शर्मा, प्रीति जगनानी, अर्चना पूरन सिंह और अनुपम खेर थे। जो इन्होंने डायरेक्ट किया था वो आदित्य चोपड़ा हैं, जो ये दूसरी अपनी डायरेक्ट कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने एक मूवी डायरेक्ट की है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान की ही, 1995 में काफ़ी हिट रही थी, ब्लॉकमास्टर। और मोहब्बतें के बाद इन्होंने दो और पे काम किया है, रिलीज़ किया, मतलब डायरेक्ट किया है। 2008 में रब ने बना दी जोड़ी, जो शाहरुख खान की ही थी। और तीसरी है इनकी, सॉरी चौथी है इनकी, 2016 में बेफिक्रे। बात कर लेते हैं म्यूजिक की। म्यूजिक जतिन ललित ने दिया है, लिरिक्स आनंद बख्शी ने दिया है। बात कर लेते हैं अवार्ड की, तो बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया है, मिला है शाहरुख खान को। बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड मिला है अमिताभ बच्चन को। बेस्ट सीन ऑफ द ईयर का मिला है आदित्य चोपड़ा को। एंड बेस्ट साउंड का मिला है अनुज माथुर को। बात कर लेते हैं मूवी की लागत एंड कमाई की। तो जो मूवी की लागत हुई थी, मतलब लगा था वो 19 करोड़ समथिंग बजट था इसका लगने का। जो कलेक्शन इसने किया था इंडिया का, जो इसका कलेक्शन है वो 41 करोड़ 88 लाख रुपए है। और जो वर्ल्ड वाइड का इसका कलेक्शन है वो 90 करोड़ का है। ब्लॉकमास्टर मूवी रही थी ये, सेकेंड नंबर पे रही थी 2000 में। फर्स्ट नंबर पे थी कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन की। और तीसरे नंबर पे रही थी आपकी मिशन कश्मीर ऋतिक रोशन की। चौथे नंबर पे आपकी रही थी दुल्हन हम ले जाएंगे सलमान खान की। और पांचवे नंबर पे थी जोश शाहरुख खान की। हाँ, तो बात कर लेते हैं रेटिंग की। तो मोहब्बतें को जो रेटिंग मिली थी वो 7.1 मिली थी आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं कैस्टों की। तो ऑडियो कैसेट है, इनके बारे में बात करते हैं। ये आपकी सॉन्ग्स की हैं, ये आपकी सॉन्ग्स की है, ये आपकी डायलॉग की है, जो इस पे लिखा हुआ है डायलॉग। तो पहले देख लेते हैं सॉन्ग्स की। ये सॉन्ग्स की होगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपकी लॉन्ग पोस्टर में है। ये आपकी लॉन्ग पोस्टर भी होगी। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है इसकी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 2000 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। देख लेते हैं इसकी तो, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पैकिंग है 4 2003 की। बैक साइड ब्लैंक रहेगा, ये छोटा सा पोस्टर और ये कैसेट मास्टर ही है।
अब बात कर लेते हैं डायलॉग की। तो ये आपकी डायलॉग की है, कैसेट एक नंबर की। तो एक एक करके डायलॉग भी देख लेते हैं। पहला है अमिताभ बच्चन का, ये इस गोकुल के 3 स्तंभ हैं। दूसरा डायलॉग है शाहरुख खान का, नो प्रॉब्लम सर, मेरा तो ये छोटा सा बैग है, मैं इसको बंद करूंगा, चलता बदलूंगा। तीसरा डायलॉग है ऐश्वर्या राय का, चौथा उदय चोपड़ा का, पांचवा जुगल हंसराज का, और लास्ट में जिम्मी शेरगिल का। तो ये हो गए डायलॉग। अब बात कर लेते हैं सॉन्ग्स की। सॉन्ग्स की एक एक झलकियाँ आपको मैं सुनाता रहूँगा, जैसे डायलॉग का सुनाया। तो पहला सॉन्ग्स है इसमें ए साइड की ओर, हमको हमी से चुरा लो। दूसरा सॉन्ग है चलते चलते, तीसरा सॉन्ग है पैरों में बंधन है, बात कर लेते हैं साइड बी की ओर, आंखें खुली हो या हो बंद। आंखें खुली हो या हो बंद, फिर बी साइड में चलते चलते, और तीसरा है सोनी सोनी। चौथा मोहब्बते लव ऑफ थीम्स, पांचवा है जिंदा रहती हैं मोहब्बतें। सो आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा मोहब्बतें के बारे में, कैसेट के बारे में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगली मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर जो आपने नहीं किया है, और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो जो भी मेरे मतलब मेरे से कांटेक्ट करके ये कैसेट परचेज करना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड बाय बाय।